नीली। हाँ मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी, तुम बोर तो नहीं हो रही? अरे नहीं, कहाँ बोर, इस इतने शानदार घर में कौन बोर हो सकता है। मैं तो यहाँ सारी जिंदगी आराम से खुशी खुशी गुजार सकती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि अनीस भाई कब तक खाना खाएंगे? वो तो आराम कर रहे हैं, कह रहे थे इतना आरामदेह बेड है, देर तक सोऊंगा, जल्दी मत उठाना। चलो अच्छा है, सफर की थकन भी दूर हो जाएगी ना। मुझे ये बताओ कि घर में सब कैसे, अब्बा, शबाना और इशरत आंटी, वो कैसी हैं? बताओ ना। उस घर में क्या अच्छा हो सकता है, कम से कम अब्बा की जिंदगी तक तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हाँ उनके मरने के बाद हो सकता है उनके घर वालों को सुकून मिल जाए। खुदा ना करे अब्बा को कुछ हो, उनका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रहे। और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो उनके बारे में, अब्बा हैं वो हमारे। मैं उनकी शान में इससे भी ज्यादा गुस्ताखी कर सकती हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। वैसे भी मेरा और उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। जब मैंने अनीस से कोर्ट मैरिज की तो। क्या तुमने अनीस से कोर्ट मैरिज की है? तो और क्या करती, अब्बा हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे, और अनीस अगर मेरे हाथ से निकल जाता तो मेरा क्या होता। मैं सारी जिंदगी अब्बा के जूते और गाली के साथ तो नहीं बसर कर सकती थी ना। इतना सदमा हुआ होगा अब्बा को, पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया होगा उन्होंने। तुमको इतनी फिकर है तो इस बड़े से घर में ले आओ ना उनको, यही कोने में पड़े रहेंगे और वहां सबकी जान छूट जाएगी। काश मैं ला सकती। वैसे कितने कमरे हैं इस घर में? पता नहीं, मेरा मतलब है काफी है। अनीस का भी घर है दुबई में, बड़ा सा शानदार, हम लोग वहां शिफ्ट होने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, खुशी हुई सुन के। बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, कह रहे थे अपना सब कुछ मेरे नाम कर देंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। अपनी पसंद से शादी की है ना उन्होंने मुझसे, अहमद भाई की तरह तरस खाकर नहीं, जैसे उन्होंने तुमसे कर ली। कितना बुरा फील होता होगा तुम्हें इफ्रा। होता है, हर कोई तुम्हारी किस्मत लेके पैदा नहीं होता ना, इसीलिए। हाँ ये तो है। मैं फूल लेकर आती हूँ।